Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगे एंड बहुत ही मौज कर रहे होगे। बहुत दिन के बाद मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए सॉरी भाई लोग, थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, लेट हो गया है। तो फटाफट से आज के वीडियो करते स्टार्ट। एंड पहले आपका भाई का हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है बताना, कल ही हेयर कट किया है, कैसा लग रहा है बताना? हैंडसम लग रहा है ना आपका भाई? हाँ, थैंक यू। तो बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है, ये बेसिकली NS 400 के बारे में होने वाला है। मैंने इसके आगे एक NS 400 एंड RS 400 का एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया था चैनल पर, उस पर बहुत ही तगड़ा रिस्पांस आया है। एंड मैंने आपको बताया था कि लॉन्च होगा, ये ज़रूर श्योर है लॉन्च होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बोला, अरे यार आप तुम कुछ नहीं जानते, ऐसे वैसे न्यूज़, ऐसे वैसे अफवाह अपलोड कर देते हो, कभी नहीं होगा ऐसे वैसे। बहुत सारे मतलब हेट कमेंट्स वगैरह बातें वगैरह हुआ था, मैंने देखा था। तो जो लोग मुझे ये कमेंट किया था कि कभी नहीं होगा, देखो जो सच है, जो होना है वही मैं सिर्फ अपलोड करता हूँ, उसके अलावा कोई भी उल्टा सीधा न्यूज़, वो भी बाइक के बारे में, मैं कभी अपलोड नहीं करता। तो फाइनली भाई लोग NS 400 इसी साल लॉन्च होने वाला है। एंड कौन सा महीना वही बता देता हूँ, मई से जुलाई में आपको NS 400 लॉन्च होगा इंडिया में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। RS 400 का अभी कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुआ है, पहले NS हो जाने दो, उसके बाद हो सकता है RS का भी फाइनल डेट बता दे बजाज। लेकिन अभी NS 400 का न्यूज़ बता दिया है कि मई का महीना का टाइम दिया है कि मई महीने में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन मई अभी टाइम दिया है, मई से जून जुलाई हो सकता है। तो मैं ये एक सबूत के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक बाइक का एक ऐप है, बाइक देखो नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप बाइक देखो में दो, जब आप ऐप को ओपन करोगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जो आपको साइट पर स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग देख सकते हो कि एक है लेटेस्ट एंड एक है अपकमिंग। मतलब जो जो बाइक नया लॉन्च हो आपको लेटेस्ट मिलेगा, एंड जो बाइक अपकमिंग है या तो लॉन्च होने वाला है वो बाइक आपको अपकमिंग सेक्शन में मिलेगा। तो अपकमिंग सेक्शन में सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा NS 400। तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है, तो देख सकते हो मई 4 मई 5 तक आपको मिलेगा NS 400। आपको मई से जुलाई तक मिल जाएगा हमारे इंडिया में। तो बहुत ही तगड़ा न्यूज़ है, एंड दे मैंने सुनकर भी ये न्यूज़ बहुत ही बढ़िया लगा कि चलो फाइनली NS 400 आ चुका, मतलब आएगा मार्केट में। एंड अब देखना ये है कि ये NS 400 का पावर फिगर कैसा होने वाला है। देखो बेसिकली इसमें आपको दो तरह का इंजन मिल सकता है, बेसिकली एक डोमिनर 400 का इंजन, या तो स्क्रैम्बलर, जो ट्राम का जो स्क्रैम्बलर 400 है वो इंजन आपको देखने को मिल सकता है। अभी ये दोनों बाइकों में किसी एक बाइक का इंजन आपको NS 400 में देगा बजाज। अब देगा तो पावर फिगर में थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। देखना ये है कि क्या NS 400 मार्केट में NS 200 के जैसा नाम बना पाता है या नहीं, क्योंकि बजाज के बहुत सारे बाइक्स हैं जो फ्लॉप भी हो चुका है। जैसे मैं बताऊँ तो F250 जो बजाज ने लॉन्च किया था वो बाइक मार्केट में उतना नहीं चला, तो वो बाइक एक तरफ से फ्लॉप ही बोल सकते हो। अब देखना ही है कि NS 400 कैसा लॉ मतलब कैसा वगैरह करता है, बाकी पावर फिगर मैं आपको बता दूंगा। तो अब प्राइस रेंज जो होने वाला है वो 3 लाख के अंदर ही प्राइस होने वाला है आई थिंक, क्योंकि डोमिनर अभी तो आई थिंक 2,80,000 या 2,90,000 में आ रहा है ऐसा कुछ, मुझे ठीक से प्राइस नहीं पता, थोड़ा गलत हो भी सकता है, आप लोग बताना कमेंट्स में क्या कितना प्राइस आ रहा है। आई थिंक 3 लाख या 3,10,000 के अंदर NS 400 का प्राइस होने वाला है, अब देखते हैं। एंड कलर वगैरह भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, जब ये बाइक फाइनल लॉन्च कर देगा तब आपको मेरे चैनल पे प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ चैनल को मतलब प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो। तो अब वेट करते हैं NS 400 का, बाकी अभी कोई भी लीक्स वगैरह भी अपडेट नहीं हुआ है,
एंड जो लोग फोटो डाल के बोल रहे हैं ये NS 400, उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी विश्वास मत करो, क्योंकि NS 400 का लुक अभी बजाज ने कोई फाइनल आउट नहीं किया है, तो किसी को क्या मालूम चलेगा कि ऐसा बाइक होने वाला है। ये सब एड करके अपलोड करते हैं बेसिकली भाई लोग, आपको NS 400 में 373 या 380-390 सीसी का इंजन मिलने वाला है, जो आपको पावर प्रोड्यूस करने वाला है 40-45 BHPS की पावर NS 400 में आपको मिलेगा, एंड 35 या 36-37 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिलने वाला है, एंड बेसिकली 11 या 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा 6-speed गियरबॉक्स के साथ। माइलेज बता नहीं सकता, हो सकता है कि आपको बढ़िया माइलेज दे दे, क्योंकि डोमिनर भी बढ़िया माइलेज देता है बेसिकली 390 के, अगर आप कंपेयर करोगे 25-30 तक माइलेज देने वाला है, बाकी ठीक है। आपको सब कुछ LED मिलने वाला है, LED हेडलाइट आपको मिलने वाला है, LED इंडिकेटर मिलने वाला है, फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलने वाला है, एंड स्पीडोमीटर कैसा डिजिटल मिलने वाला है वो अभी देखना है, कि वही N160 की तरह का दे दे तो बहुत ही घटिया लगेगा, थोड़ा कलरफुल वाला अगर दे तो बढ़िया होगा। बाकी आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, एंड टायर साइज आपको फॉर्म में 110 सेगमेंट का टायर, एंड रियर में 150 सेगमेंट का टायर मिलने वाला है NS 400 में, एंड प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 3 लाख या 3 लाख 10 के अंदर आपको NS 400 का प्राइस होने वाला है। बाकी आप वेट करते हैं कब तक लॉन्च होगा, एंड कौन से कलर में, कौन से वेरिएंट में आएगा, एंड कैसा मार्केट में मचाएगा। इंटरनेट में बहुत सारे NS 400 का लुक अभी आ चुका है, मतलब बहुत सारे लुक्स एंड फोटो वगैरह इंटरनेट में चारों तरफ फैला, मतलब फैल चुका है। अब ये लुक कितना सच है या कितना झूठ मुझे पता नहीं है, लेकिन एक ही बात बोलना चाहता हूँ भाई लोग, कि मैं इन सब लुकों में विश्वास नहीं करता जब तक ना बजाज खुद फाइनल आउट नहीं करता, बजाज खुद अपलोड नहीं करता कि ऐसा लुक होने वाला है NS 400 का, तो तब तक मैं तो विश्वास नहीं करूँगा। अब देखते हैं, हो भी सकता है कि ये लुक हो भी सकता है, पता नहीं है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं होने वाला, तो इस सब फोटो वगैरह को इतना मत विश्वास करो जब तक बजाज खुद अपने सेगमेंट में बजाज खुद ऑफिशियली लॉन्च ना करे, ना बता दे कि NS 400 का लुक कैसा होने वाला है। बाकी तब तक थोड़ा वेट करो, अब कुछ ही दिनों का बात है, आई थिंक 1 महीने के अंदर बजाज खुद बता देगा NS 400 का लुक कैसा होने वाला है। सो एक्साइटेड, तो पर बस आज भी लगाते हैं श्रेय साइड से, बहन आपको NS 400 का न्यूज़ कैसा लगा बताना, आई होप बहुत ही बढ़िया लगा, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, एंड मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि RS 400 कब तक मार्केट में आता है, देखना ही है। तो बाय बाय। Explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Tonight